नमस्कार। तो आज आप हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात की जाए तो फिर से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग चालू हो चुकी है इस वीक से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग भी बैन होती है। सभी को पता है कि ट्रेडिंग किस वजह से बैन होती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी सारा डेप्ट है, वो डेप्ट अभी भी कंपनी नहीं दे पा रहे, जिसके वजह से जो है स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग बैन हो जाती है। बीच में फिर से ट्रेडिंग चालू हो चुकी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने काफ़ी वीडियो में यही बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट आप लोग क्लियरली नज़र डालोगे तो उस बैलेंस शीट में जो है वो कंपनी का जो डेप्ट है वो डेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन कंस्टेंटली डेप्ट जो है इस लेवल पे है। और टोटल दूसरी तरफ आप लोग एसेट के ऊपर बात करोगे, एसेट्स और एक डेप्ट है, तो एसेट जो है कंपनी के जो थे काफ़ी ज़्यादा थे 70 करोड़ के ऊपर, वो यहाँ पे कम होते होते हुए दिखाई दे रहे, पर यहाँ पे जो डेप्ट है वो कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि एसेट का जो कम हो रहा है उसका यूज़ यहाँ पे डेप्ट कम होने में नहीं हो रहा है, वो चिंताजनक की बात है। आखिर आप कोई भी डिसीजन लोगे आपके एनालिस्ट से पूछ कर ले लेना, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो थी।